हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डज 6x6 मीन इन स्नेलर्स चार्ट। ठीक है, तो हमारा स्नेलर चार्ट हमसे पूछता है कि जब हमारा विजन 6x6 होता है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आज हम जानेंगे 6x6 का मीन। मैंने ये जो है स्नेलर चार्ट सिर्फ ड्रॉ किया है कि ये हमारा स्नेलर चार्ट है। ठीक है, और ये हमारा स्नेलर चार्ट का 6x6 का एक लेटर है। ठीक, आगे चलते हैं। पेशेंट कैन रीड इट एट ए 6 मीटर डिस्टेंस, यानी कि जो लेटर 6x6 पर लिखा हुआ है, पेशेंट कैन रीड इट 6x6 मीटर डिस्टेंस, यानी कि पेशेंट 6 मीटर से उसको आसानी से देख सकता है। आगे है, नॉर्मल पर्सन कैन रीड इट एट ए 6 मीटर डिस्टेंस, और जो नॉर्मल पर्सन होता है वह भी उस लेटर को जो 6x6 पर लिखा हुआ है 6 मीटर डिस्टेंस से आसानी से देख सकता है। यानी कि पेशेंट और नॉर्मल पर्सन दोनों ही जब 6x6 विजन करते हैं तो हमारी आई बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हम उसको 6x6 विजन देते हैं। ठीक है, ये हमारा 6x6 का मीन हो गया। आगे है, व्हाट डज 6x12 मीन इन स्नेलर्स चार्ट। अब हम जानना चाहते हैं कि जब 6x12 विजन होता है स्नेलर चार्ट में तो उसका मतलब क्या होगा। आगे है, पेशेंट कैन रीड इट एट ए 6 मीटर डिस्टेंस, यानी कि जो 6x12 पर जो लेटर लिखा हुआ है, पेशेंट उस लेटर को 6 मीटर डिस्टेंस से देख सकता है आसानी से। और वहीं सेकंड पॉइंट है हमारा, नॉर्मल पर्सन कैन रीड इट एट ए इवन 12 मीटर डिस्टेंस, और जो नॉर्मल पर्सन है जो 6x12 लेटर लिखा हुआ है वो उसको 12 मीटर के डिस्टेंस से आसानी से देख लेगा। इसमें हमें डिफरेंस मिला कि पेशेंट 6 मीटर से देख सकता है और नॉर्मल पर्सन 12 मीटर डिस्टेंस से। ठीक है, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।